फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले तक लगातार सुनती आ रही थी और स्पेशली हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कि बहुत तेज़ की गर्मी पड़ रही है, बारिश की एक बूंद तक नहीं टपकी। पर फिलहाल एक वीक से ऑलमोस्ट इंडिया के हर जगह पे बारिश हो रही है, हल्की फुल्की ही सही पर हो रही है। और हमारे शहर में तो बहुत तेज़ की बारिश होती है, सेकेंड हाफ में तो बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, हर रोज़ हो रही है। तो फिर देर क्यों करना, फटाफट पौधे लगाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो, मैंने कुछ महंगे पौधे को कटिंग से, कुछ महंगे होंगे कुछ सस्ते भी होंगे, वो कटिंग से लगाएंगे जिससे कि रूट बहुत जल्दी डेवलप होंगे। अभी मानसून का टाइम है तो ग्रोथ भी फास्टली होगा, और आप अभी पौधे लगाओगे तो सितंबर लास्ट तक ये पौधे बड़े हो जाएंगे, फिर आप इस पौधों से, एक पौधे से दो तीन पौधे बना भी सकते हो। तो फिर देर क्यों करना, तो चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी, उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी इसी वीडियो में इन सब पौधों का अपडेट भी दूँ ताकि आपको श्योर हो जाओ कि सच में इसमें रूट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मिट्टी का प्रिपरेशन कर लेंगे। मिट्टी के लिए आप लेना है गार्डन सोयल, सैंड, कोकोपीट और कंपोस्ट। किसी किसी चीज़ में आप कोकोपीट मत डालना, और किसी किसी में आगे बताती जाऊंगी कि इसमें डालना है किसी में नहीं डालना। अगर आपके पास सिर्फ तीन चीज़ है तो भी आपका प्लांट लग जाएगा, गार्डन सोयल, सैंड और कंपोस्ट है, इतना चीज़ है तो भी लग जाएगा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, रिच सोयल मांगते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको हल्दी पाउडर ज़रूरी है क्योंकि अभी कीड़ा वगैरह लगता है। अगर आप मार्केट से कोई फंगिसाइड लाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही महंगे से पौधे से स्टार्ट कर रहे हैं, ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की ये वाली वैरायटी थोड़ी महंगी से आती है, 300-400 के समथिंग आता है। तो इसकी कटिंग हम लोग पहले लगाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, जब पूरा बुशी हो जाता है बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और आप इसको कटिंग से ईजिली लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए मैंने घर का ही वेस्ट डब्बा लिया है, ये जो ऑयल के आता है ना, ऑयल का डब्बा, उसी को ली हूँ, और उसमें मैं नीचे कपड़ा डाल दूँगी ताकि कपड़ा या फिर कुछ भी इस टाइप का जो आता है फ्रूट्स वगैरह आता है, वो पॉलिथ पैक को आप कट करके डाल दीजिए ताकि आपका जो सॉइल मिक्सचर है वो नीचे ना गिरे और पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए। और आपने जो भी गमला लिया है सबका होल प्रॉपर होना चाहिए कि आप पानी डालो और नीचे से इजीली ड्रेन आउट हो जाए, पानी जड़े नहीं, पानी रुके नहीं, नहीं तो जड़ जो है गल जाएगा, इसीलिए आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने डब्बे को फिल कर दिया, अब मैं इसको लगाऊंगी। देखो ये मेरी कटिंग है, और इसको पहले मैं एलोवेरा जेल से मैं लगाऊंगी। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन से लगाओ, नहीं तो एलोवेरा है तो एलोवेरा से लगाओ। और बहुत सारे लोग दालचीनी का पाउडर बना के उसको भी यूज़ करते, तो वो भी अच्छा होता है। तो आपके पास जो चीज़ है उसी चीज़ से आप काम करो। इस तरह से मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया, अब मैं इसको इंसर्ट कर दूँगी और आपको मैं अपडेट भी दिखाऊँगी। तो ये वाला जो प्लांट है, ये प्लांट जो है थोड़ा रिच सॉइल मांगता है, इस वजह से आप इसमें चार का प्रोपोर्शन देना, कंपोस्ट भी पूरा इक्वली अमाउंट में देना, तो अच्छे से बुशी होगा। तो इस तरह से आप इसको लगा लोगे और कुछ दिन के बाद ये बहुत ही अच्छा सा आपका प्लांट तैयार हो जाएगा, और इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ भी होता है। और इसकी प्लेसिंग वहाँ करना जहाँ बहुत तेज़ धूप ना आए, सुबह के एक दो घंटे की धूप आए तो वो काफ़ी होता है। और अब देखो इसकी अपडेट, ये देखो कितने अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने सारे लीफ आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसको लगा के आप कहीं पे छोड़ दो, और जब आप लगा रहे हो तो उसको बार बार छेड़ना नहीं, एक जगह पे रहने देना ताकि इसका जो स्टेम है वो स्टेबल रहे आपके पॉट में। तो इस तरह से आप लगाओगे तो आपके पास भी ये खूबसूरत सा प्लांट होगा, और अभी तो मानसून का टाइम है तो बहुत फास्ट ग्रोथ भी करेगा। प्लांट को लगाओ, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। वेस्ट में देखो, मैं तो वेस्ट में लगाई हूँ, वैसे अच्छा तो मिट्टी का गमला होता है, मिट्टी का गमला में लगाओगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है तो इस तरह से आप ऑयल का डब्बा को, केन को काट के भी लगा सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो। इतने महंगे प्लांट को आप ईजिली कटिंग से घर पर तैयार कर सकते हो। और अभी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर का छिड़काव करें सो दैट कि किसी तरह का कोई फंगस ना हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिसमें कि आप देख रहे हो पिंक कलर का फ्लावर है, इसको भी आप कटिंग से इजी लगा सकते हो। बहुत ही जल्दी इसमें रूट डेवलप होता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम छोटी सी कटिंग से आप इजीली लगा सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इसमें रूट डेवलप हुआ है, आप छोटी से छोटी कटिंग भी लाओगे तो उसमें भी इसमें रूट आ जाएगा। और अभी तो बारिश का टाइम है, अभी तो तुरंत रूट आ जाएगा। तो इसकी छोटी सी भी कटिंग आपको कहीं से भी मिलती है तो आप ले आओ, बहुत ही प्यारा लगता है प्लांट। और इसमें जो पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं।
और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है एरेथनम। एरेथनम प्लांट एक्चुअली खूबसूरत पत्तियों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसमें आपको वैरायटी भी काफ़ी मिल जाएगी। एक जो होता है वो एकदम डार्क रेड कलर का होता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये अपने पत्तों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। और यहाँ पर देखो, मैंने इसको लगा लिया था और अब मैं आपको इसका अपडेट दिखा रही हूँ, कितना छोटा सा है और इसमें आप देखो कितना हेल्दी रूट डेवलप हुआ। इसकी कटिंग एकदम छोटी छोटी सी मैंने ली थी, और जितनी कटिंग ली थी एक भी कटिंग मेरी फेल नहीं हुई, और सारे कटिंग में मुझे अच्छा सा रूट्स मिल गया। तो देख लो, आप खुद से देखो कि कितना अच्छा रूट तैयार हुआ है। और इस प्लांट को हिंदी में दशमूली कहते हैं। इसकी हाइट 2 मीटर तक लगभग चली जाती है, तो मुझे अब इसको बड़े गमले में लगाना होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जो कि एकदम छोटी सी छोटी कटिंग से इजली लग जाएगा। और आप जैसे कि देख ही पा रहे हो कि इसमें कितना हेल्दी रूट डेवलप हुआ है। और इसकी केयर की बात करूँ तो इसका ज़्यादा कुछ केयर नहीं करना पड़ता है, पर हाँ, इसकी प्लेसिंग ऐसे जगह करना जहाँ सुबह 1-2 घंटे की धूप है। बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं, और इसको पानी का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब डेली डेली आप इसको पानी देना ही होगा। अगर आप नहीं देते हो 1-2 दिन, तो आपका प्लांट थोड़ा मुरझा सा जाएगा, एकदम ऑफ सा हो जाएगा। फिर आप इसको पानी दोगे तो फिर से रिवाइव कर जाता है। तो ये इतना अच्छा प्लांट है, तो इस प्लांट को आप ज़रूर से लगाना। देख लिया ना आपने, एक भी मेरी कटिंग फेल नहीं हुई, सारी कटिंग में माशाल्लाह बहुत अच्छे से रूट आया। तो ये बहुत ही खूबसूरत एकदम फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत फास्टली इसमें रूट डेवलप होता है। तो इस प्लांट की कटिंग आपको कहीं पर भी मिलता है तो आप लेके आओ, और एक कटिंग मत लाना, 3-4-5 जितना आपको अब मिल पाता है उतना कटिंग ले लेना और उसको लगा देना। ज़रूरी नहीं है कि आपका सब कटिंग सक्सेसफुल हो जाए, कुछ कटिंग में रूट्स नहीं भी आएगी तो आपका 3-4 में तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप 2-4 ज़्यादा ही लाना, और इस तरह से आप पानी में सॉरी मिट्टी में लगा कर रखो, बहुत ही जल्दी रूट आएगा। फिर आप उससे एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स इजली बना सकते हो। और इस प्लांट का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कीड़े का अटैक नहीं होता है। अगर हो गया तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करो तो ये ठीक हो जाएगा, हालांकि होता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और ये दूसरा जो प्लांट है, इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हो, जिसकी वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही शायद दिखाई थी। पानी में इसमें रूट डेवलप हो जाता है, बट अभी आपको इतना करने का जरूरत नहीं है कि पानी में डालो फिर रूट आने का वेट करो, इतना आपको करने का जरूरत नहीं। आप इसकी कटिंग लाओ और कटिंग से डायरेक्ट आप सॉइल मीडिया में लगा दो, तो कुछ ही दिन के बाद आपके पास ये प्लांट हो जाएगा, तो इसमें भी रूट जल्दी ही आ जाएगा। तो इस प्लांट का है डायरेसना, इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही प्यारा लगता है। देखो यही मैंने दिखाया था, पर अभी आपको इतना करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कटिंग लाओ और डायरेक्ट सॉइल मीडिया में लगा दो। अगर आपको पानी में रखना है तो फिर आप इसको इस तरह से पानी में रख के छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको सॉइल मीडिया देना है, सॉइल मीडिया में लगाना है, तो आप इसको अभी डायरेक्ट सॉइल मीडिया में लगा दोगे तो बहुत जल्दी इसमें रूट आ जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से इजी लगा सकते हो, बट इसको कटिंग से लगाने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है अमरेला प्लांट। इसका स्लाइटली डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग हमेशा स्टेम को रखते हैं पानी में रूट डेवलप करने के लिए, बट इसको हम लोग उल्टा रखना है, इसको लीफ वाले साइड को पानी में रखना है, फिर उसमें आपको रूट दिख जाएगा, बहुत जल्दी इसमें भी रूट आ जाएगा। फिर आप इसको सॉइल मीडिया दे देना तो आपके पास ये खूबसूरत सा प्लांट होगा। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुशी हो गया पूरा अमरेला, मतलब छाती की तरह इसका पूरा होके आता है। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसको तो कटिंग से आप एक बार आपके पास जो कटिंग आ जाएगा उससे आप पूरा रो भर सकते हो, और इसमें बहुत सारे कलर्स डिज़ाइन सारे चीज़ अवेलेबल है। छोटी सी कटिंग आप ले आओ कहीं से भी तो आप तुरंत इसको प्लांट का पूरा रो बना सकते हो, बहुत ही प्यारा एकदम लेस केयर में चलने वाला। और इस प्लांट को आप सिर्फ गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तब भी ये बहुत अच्छे से रह जाएगा, और घर के जो पुराना डब्बा होता है, किचन वेस्ट होता है, उसमें भी आप लगाओगे तब भी ये हेल्दी रहेगा। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हो ये छोटे से डब्बे में लगा हुआ, तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एकदम लेस केयर में चलने वाला प्लांट है। और इसकी वैरायटी तो बहुत सारी है, बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मेरे पास ये ग्रीन कलर का नहीं था तो मैं ये छोटा सा कटिंग लाई, इसी छोटा वो जो आप रेड कलर का दिख रहे थे ना वो भी मैं इतने ही छोटा सा कटिंग लाई थी। तो इतने छोटे से कटिंग से आप इस प्लांट को लगा सकते हो, और एकदम प्लेन गार्डन सॉइल में लगा दो, नीचे कुछ एलोवेरा जेल या फिर कुछ आपके पास है रूटिंग हार्मोन है जो कुछ भी है आप उसको लगा लो, नीचे के 2 पत्ती को हटा दो, फिर आपके पास ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर आप इस एक प्लांट से कई प्लांट कटिंग करके बना सकते। तो इसका बस यही है कि ये प्लांट जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। जब ख़राब होने लगे तो आप इसकी कटिंग रख लो, कटिंग से दूसरे पॉट में डाल दो, तो ये
फिर से उस पॉट में होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एकदम लेस केयर में चलने वाला प्लांट है। इसकी केयर की बात करूँ तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट डेली की डेली होती है, आप इसको डेली वाटरिंग करो। अगर एक दिन स्किप कर दो, हालांकि अभी तो बारिश का टाइम है तो डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक दिन स्किप कर देते हो तो डल सा हो जाएगा, फिर अगेन आप इसको पानी दोगे तो ये खिल सा जाता है। तो ये बहुत ही लेस केयर में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट है कॉलियस, जिसको कि आप लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हो छोटी सी कटिंग। ये अजवाइन प्लांट है, हालांकि इसका नाम अजवाइन है लेकिन ये इसमें खुशबू अजवाइन की आती है, बट ये अजवाइन प्लांट नहीं है, बस इसका नाम ही अजवाइन है। इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हो और सीड से भी लगा सकते हो, दोनों से। और इसमें भी आपको कलर अच्छा खासा मिल जाएगा, हालांकि ये ब्लू कलर जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है और एक वाइट कलर भी आता है, बट मेरे पास सिर्फ ये ब्लू कलर है। तो इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है अपराजिता। अपराजिता को भी आप अभी कटिंग से लगा लोगे तो आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी हेल्दी हो जाएगा, बहुत ही प्यारा लगता है और इसकी कटिंग आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट का नाम है मैक्सिकन मिंट, और इसमें भी हल्का फुल्का अजवाइन की खुशबू आती है। तो इस प्लांट को छोटी सी कटिंग भी आपके पास मिलता है तो आप इसमें भी बहुत जल्दी रूट डेवलप होता है, तो आप इसको लगा सकते हो, छोटी सी कटिंग को आप लगा लो। और इसके लिए सॉइल मीडिया में 4 का प्रोपोर्शन लेना और उसके बाद आप इसको लगा दोगे तो कुछ ही दिन के बाद इसमें बहुत हेल्दी रूट डेवलप होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना हेल्दी इसमें रूट डेवलप होता है। तो इसको भी आप एक बार कटिंग मिलता है तो आप ले और लगा लो। और इसकी केयर की बात करूँ तो इसको भी वैसे जगह पर रखना जहाँ सुबह की 1-2 घंटे की धूप, बहुत तेज धूप में इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है और इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है बट उतना ज्यादा नहीं। जब ऊपर का लेयर जब आपको सूखा सूखा दिखे तो ही आप इसको पानी देना। ओवर वाटरिंग से कई बार इसके जो जड़ें हैं गल जाती हैं। तो इस तरह से आप इसका केयर करोगे, देख रेख करोगे तो ये प्लांट आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगता है और एकदम लेस केयर में चलने वाला ये प्लांट है। और इसमें कीड़ा वगैरह का अटैक तो नहीं होता, अगर हुआ तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करो। तो ये बहुत ही खूबसूरत एकदम लेस केयर में चलने वाला प्लांट है जिसको कि आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। और बीच बीच में इसकी प्रूनिंग भी करते रहना। जब प्रूनिंग करोगे तो जस्ट स्टेम निकलेगा, उससे फिर अपने आप प्लांट बना लो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पूरा बुशी हो जाता है, तो जैसे कि आपने देखा वीडियो में बुशी हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम छोटे से स्टेम से ये लग जाता है, तो इस खूबसूरत से प्लांट को आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो, इवन इसको सीड से भी लगा सकते हो। इसमें फलिया के अंदर बहुत सारी सीड्स आती हैं, तो दोनों वैसे जो आपको इजी लगता है उससे लगा लो। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी काफ़ी मिल जाएंगे कि येल्लो ज़्यादातर देखा जाता है, एक रेड कलर भी ज़्यादातर देखा जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, जो कि ईजिली ग्रो हो जाता है। इसको ग्रो करने में कुछ ज़्यादा झंझट नहीं होता और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गुच्छों में एक एक बार इतना इतना आपका फ्लावर आएगा। और दूसरा जो प्लांट है जिसको कि आपको लगाना ही चाहिए, आपके घर में होगा ही, अगर नहीं है तो अभी आप फटाफट कटिंग लाओ और लगा लो, ये कड़ी पत्ता है जो कि किचन में यूज होता है, बहुत ही जल्दी अभी ग्रो हो जाएगा। और इसको भी आप सीड से भी लगा सकते हो और कटिंग से भी लगा सकते हो। तो अब अभी कटिंग ले आओ, अभी अभी अगर आप कटिंग लगाते हो तो बहुत ही जल्दी आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। और आप इसको अगर ज़मीन है, खाली ज़मीन है तो ज़मीन पे लगाओगे तो काफ़ी बड़ा अच्छा आपके पास पेड़ हो जाएगा। तो इस तरह से एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स हैं, डेलिकेटेड प्लांट भी अभी आप इजी वे में भी लगाओगे तो लग जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है। मानसून का टाइम, बारिश की पानी जब आपके पॉट में गिरेगी, आपके प्लांट पे गिरेगी, तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, आपका प्लांट्स बहुत जल्दी बुशी होगा, बहुत जल्दी हेल्दी होगा। और आपके जो प्लांट ख़राब हो रहे हैं वो सारे प्लांट्स को भी आप बारिश के पानी में भीगने दें तो बहुत, जो आपका प्लांट ख़राब हो रहा है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, रिवाइव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि मेरा पीस लिली का प्लांट था, वो पूरा ख़राब हो चुका था, एकदम जल चुका था, लेकिन उसको बारिश के पानी में मैं रखी तो कुछ ही दिन के बाद उसमें नए नए लीव्स आ गए। तो जो प्लांट आपका ख़राब हो रहा है वो पानी में थोड़ा भीगने दें और उसको पानी में रखोगे तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे तो नया नया लीफ आ रहा है। और हाँ, जब कटिंग आप लगा रहे हो तो बार बार इसको डिस्टर्ब नहीं करना, एक जगह पे स्टेबल रहने देना, सो दैट कि आप जो कटिंग लगाए वो हिले डुले नहीं, अच्छे से आराम से उसमें रूट डेवलप हो जाए। बार बार चेक नहीं करना है, वो अपना काम धीरे धीरे करेगा। आप उसको बस जब ऊपर का लेयर ड्राई हो तो आप उसको पानी देना। ओके जी, बाय, फैना बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना।